नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। भक्ति में भाव का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी शक्ति हो, वो तभी कार्य करती है जब उसे भाव के साथ पुकारा जाता है, पूजा जाता है। आप बड़े बड़े से हवन कर ले, विधि विधान कर ले, परंतु अगर मन में ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अगर आपके भाव ही नहीं है, तो आपको उनके होने के अनुभव, उनकी उपस्थिति की अनुभूति नहीं होती है। एक मूर्ति जो आपके पूजा घर में रखी होती है या एक तस्वीर जो वहाँ रखी होती है, उसमें प्राण नहीं होते हैं और ना ही उसमें हम कभी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। परंतु जब हम भाव के साथ अपने ईश्वर की उपस्थिति को उस फोटो या मूर्ति में मानकर उनकी पूजा भक्ति करते हैं, तो उनमें निश्चित रूप से प्राण आ जाते हैं। वो प्राण हमारे भाव के कारण ही आते हैं। आप देखेंगे, जब हम उस ईश्वर की मूर्ति को या घर में रखे उनकी उन फोटो को देखते हैं, तो हमारे अंदर स्वयं ही भक्ति उमड़ने लगती है, भाव उत्पन्न होने लगते हैं, हमारे आँखों से कभी कभी आंसू भी बहने लगते हैं। तो भाव से ही भक्ति आती है, और जितनी प्रबल भक्ति होगी, उतनी ही प्रबल शक्ति उस भक्ति के प्रवाह से उत्पन्न होती है। जब आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जाते ही इस भाव से हैं कि जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करके दूसरे काम शुरू करें। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमारी आजकल की जीवन शैली भी जिम्मेदार है। सब कुछ, जो भी विधि हम करते हैं, जिस भी पद्धति से हम पूजा करते हैं, वो हमारे लिए बस एक मशीनी कार्य बन चुका है। हम एक यंत्र की भांति वहाँ जाते हैं और जो कुछ भी हमें करना होता है, विधि विधान वो करके हम चले आते हैं। पर बताइए, क्या इस तरह की पूजा से हमें लाभ प्राप्त होगा? जब तक कि हमारे मन में ये भाव ना हो कि हाँ, हम जिस पूजा घर में या जिस मंदिर में जा रहे हैं, घुस रहे हैं, वहाँ हमारे इष्ट हैं, हमारे परम पिता विराजमान हैं, हम उनकी भक्ति के लिए, उनसे मिलने के लिए वहाँ जा रहे हैं, बिना भाव के देखिए भक्ति हो ही नहीं सकती। और जब तक आपके अंदर भाव ही नहीं होगा, तब तक आपके अंदर ना कोई आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी और ना ही आपको कोई अनुभूति होगी। इसलिए जब आप घर के मंदिर में या बाहर किसी मंदिर में जाएं, तो अत्यंत आवश्यक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने परम पिता, अपने इष्ट देव से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये जो कुछ समय है, ये जो कुछ पल है, ये जो कुछ मिनट है, वो आप उनके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। ये दरबार उनका है और हमारी वहाँ हाजिरी है। सामने जिस फोटो या मूर्ति की आरती हम उतारने वाले हैं, उसमें हमारे इष्ट साक्षात विराजमान हैं, उनकी शक्तियाँ विराजमान हैं और वो हमारी हर बात सुन रहे हैं, भली भांति हमें देख रहे हैं। तो अब हमें अपने देवता के सामने प्रस्तुत होने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का छल, कपट, किसी के लिए कुछ बुरा, ऐसा भाव ना हो। जहाँ भाव शुद्ध नहीं होंगे, वहाँ भक्ति कभी नहीं आएगी। इसलिए मन को साफ रखें, किसी के प्रति कोई दुर्भावना ना रखें, किसी का अहित मन में लेकर ईश्वर के सामने ना जाएं। दूसरी बात है शरीर की शुद्धि। आप अपने पूजा घर में शुद्ध होकर, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही जाएं, जिससे उस स्थान की पवित्रता हमेशा बनी रहे, वहाँ के जो स्पंदन हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमेशा सकारात्मक रहे। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि समय लेकर ही अपने घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में जाएं। देखिए, हड़बड़ी में किया गया कोई भी काम कभी सार्थक नहीं होता, भक्ति भी नहीं। इसलिए शांत मन से, चाहे आप कम समय के लिए ही मंदिर जाइए, परंतु आपका चित्त बिल्कुल शांत होना चाहिए और आप बिल्कुल आराम से अपनी बात अपने इष्ट देव के सामने प्रस्तुत करिए, बिना किसी हड़बड़ी के। यहाँ मैं आपको श्री श्री नीम करौली बाबा जी के एक अनन्य भक्त का अनुभव सुनाऊंगी, जो महाराज जी के एक बड़े अनन्य भक्त हुआ करते थे और वो अत्यंत गरीब थे। परंतु महाराज जी की आज्ञा पाकर वो बिना ही कुछ सोचे समझे हमेशा महाराज जी के साथ निकल पड़ते थे। जहाँ भी महाराज जी उन्हें साथ चलने को कहते, वो चले जाते। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती, अपने परिवार की भी नहीं। और ऐसे ही वो महाराज जी के साथ उनके आदेश पर बद्रीनाथ यात्रा के लिए उनके साथ चले गए। पीछे से उनके घर के राशन समाप्त हो गया और घर में पैसे भी नहीं थे कि उनकी पत्नी कुछ खरीद कर ला पाती। फिर उनकी पत्नी ने क्या किया कि उन्होंने केवल महाराज जी के चित्र के सामने हाथ जोड़कर, जैसे कि वो साक्षात महाराज जी के सामने खड़ी हों, उन्होंने वैसे उनके चित्र के सामने हाथ जोड़कर अपनी दुविधा महाराज जी के सामने प्रस्तुत की और उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की।
और महाराज जी तक उनकी बात पहुंच गई। महाराज जी ने उनकी बात सुन ली। महाराज जी ने तो स्वयं कह रखा है कि जो भी मेरे फोटो के सामने आकर अपनी बात कहेगा मैं उसे सुनूंगा। तो महाराज जी की कृपा से उनके पड़ोस में रहने वाली उन्हीं की एक पड़ोसन ने बिना उनके कुछ बताए स्वयं ही उनकी सहायता के लिए उनकी जरूरत का सारा राशन स्वयं लाकर उनके घर पर पहुंचा दिया। तो ऐसे कितने ही दृष्टांत हैं, कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, कितने ही लोग हैं जिन्हें महाराज जी ने स्वप्न में या फिर ध्यान की भी अवस्था में दर्शन दिए हैं। ऐसा होता ही है। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी भक्ति आप करते हैं, अगर आप उन्हें भाव से याद कर रहे हैं तो आपकी बात उन तक पहुंचती है, वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपको अनुभव देते हैं अपनी उपस्थिति का, अपनी मौजूदगी का। पर ये सब कुछ निर्भर करता है केवल और केवल आपके भाव पर। आप जो भोग लगा रहे हैं, जो आरती आप उतार रहे हैं, वो आप किसकी उतार रहे हैं? हाथ जोड़कर आप किसके सामने खड़े हैं? केवल फोटो चित्र के सामने खड़े हैं? आप भोग उस ईश्वर की फोटो को लगा रहे हैं या स्वयं उस देव को लगा रहे हैं? तो भाव तो हमारे मन में यही रहते हैं कि भाई हम अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, ये जो आरती हम उतार रहे हैं वो उस फोटो में विद्यमान हमारे इष्ट की आरती हम उतार रहे हैं। हाथ जोड़कर हम केवल फोटो के सामने नहीं खड़े हैं बल्कि साक्षात अपने इष्ट देव के सामने, अपने ईश्वर के सामने हम उपस्थित हैं। तो इस भाव से जब हम अपनी पूजा अपने इष्ट की करते हैं तो वो पूजा उन तक पहुंचती ही है और वो उन्हें स्वीकारते भी हैं, उस पूजा को वो ईश्वर स्वीकारते भी हैं। इस प्रकार की गई हमारी हर बात, हर प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं। तो जब आप अपने इष्ट देव के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं जैसे कि आप अपने माता पिता के साथ जुड़े हुए हैं, तब उनकी कृपा आप पर होती है। देखिए ना, संत तुलसीदास जी को जब अकबर ने जेल में डलवा दिया था तो उन्होंने तो जेल के अंदर से ही अपने इष्ट देव को पुकारा था, हनुमान चालीसा की रचना की और उनसे सहायता मांगी और उनके इष्ट देव ने उनकी प्रार्थना सुनी। हनुमान जी ने उनकी मदद की, उनकी सहायता की, उन्हें बाहर निकलवाया वहाँ से। शबरी की ही कथा देख लीजिए, उन्होंने आजीवन श्री रामचंद्र जी के आगमन की तैयारी ऐसे की कि मानो वो उसी दिन आ रहे हों। वो कभी थकी नहीं, कभी रुकी नहीं, कभी उदास नहीं हुई, कभी हतोत्साह नहीं हुई। हर दिन उन्होंने रास्ते बुहारे, हर दिन उन्होंने फूलों से उन रास्तों को सजाया, हर दिन वो जंगल से फल ला करके रखी। और फिर क्या हुआ, एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को साक्षात आना ही पड़ा, उन्हें दर्शन देना ही पड़ा। तो ये सत्य घटनाएं हैं, कहानियां नहीं है, ये सब भाव से ही होता है। आप स्वयं सोचिए ना, संत मीराबाई वो कैसे जिस गिरधर की भक्ति करती थी अंत में उन्हीं की मूर्ति में वो विलीन हो गई। आखिर ये कैसे हुआ, कोई किसी मूर्ति में कैसे विलीन हो सकता है? परंतु हुआ ना, तो सब कुछ संभव है। ईश्वर है और वो केवल आपके भाव के भूखे हैं, वो केवल भाव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। महाराज जी ने तो हनुमान जी की मूर्ति को एक बाल्टी दूध पिलाया था और हनुमान जी ने पिया भी था। तो भाव जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है। भाव से ही भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ही शक्ति उत्पन्न होती है। जो भी देवता की मूर्ति या फोटो आपके घर में रखी है वो आपके भाव से ही जागृत होती है और आपके भाव से ही उस फोटो में या उस विग्रह में शक्ति भी उत्पन्न होती है। और फिर जब आप उनके सामने बैठकर कुछ पूछते हैं, कोई विनती, कोई प्रार्थना अपने इष्ट देव से आप करते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी समस्याओं का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। किसी न किसी माध्यम से आपके इष्ट देव आपको संदेश देंगे, आपको समाधान समझ में आने लगेगा अपनी समस्याओं का। तो इसलिए जब भी आप अपने पूजा घर में जाएं तो इस विश्वास से जाएं कि आप अपने इष्ट देव के सामने जा रहे हैं और वो साक्षात वहां विराजमान है और आपकी बात सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपको उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा ही। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।